मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से यरूशलम को सरकारी तौर पर इज़राइल का दारुल खिलाफा तस्लीम कर लेना बजाते खुद इस बात की दलील है कि अमेरिकी रियासत की पॉलिसियां, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता हुआ हमें अमेरिका नजर आता है। अफगानिस्तान में पलने वाली, इराक, शाम और दुनिया में जहां जहां भी दहशतगर्द तंजीमें पनपी हैं, चाहे वो दाइश हो, आईएसआईएस हो या तालिबान हो, हमें नजर आता है कि उसकी सरपरस्ती हमेशा अमरीका ने की। हम जब लग से अमरीका कहते हैं तो उससे मकसद अमरीकी अफवाह नहीं, बल्कि अमरीकी रियासती वो पॉलिसियां हैं जो हमेशा दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती रही है। इस वक्त पूरे दुनिया के अमन को दांव पर लगाना अमरीकी रियासत की वो साजिश है जिसकी ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा मजम्मत करता है, बल्कि दुनिया भर में जहां पर भी इंसानियत के अलमबरदार मौजूद हैं वो उसकी मजम्मत करते हैं। हम मजलिस-ए-वहदत-ए-मुस्लिमीन, पाकिस्तानी अवाम बड़ा वाज़े पैगाम दे रही है कि सरजमीन बैतुल मुकद्दस को अमरीकी सरपरस्ती में, एक वो सरजमीन जो कि मकबूजा है, ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, उसमें किस तरीके से उसे इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाता है। आज ये सियासत और अमरीकी ये पैगाम पूरी दुनिया की इंसानियत के गैरत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। हम यहाँ से भरपूर पैगाम देते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस फैसले को कबूल नहीं करती और हम इसे पूरी कुव्वत के साथ मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन।